गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेन एवर अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ डीसी एंड इन केस ऑफ एसी. एक्चुअली स्टूडेंट, होता क्या है कि इन केस ऑफ डीसी कैपेसिटर कॉन्टिन्यूसली चार्ज होता है और आफ्टर फुल चार्जिंग इट विल स्टॉप. सो इट विल स्टॉप एंड इट ब्लॉक द डीसी. इसलिए डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. कैपेसिटर केस में हम स्टडी कर चुके हैं सारी चीज़ें. बट इन केस ऑफ एसी हाफ साइकिल के थ्रू चार्जिंग, वैसे हाफ साइकिल नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली जाओगे तो 1/4 टाइम में चार्ज फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज. तो यहाँ पर 1/4 टाइम में चार्ज होना और फिर डिस्चार्ज होना. देखिए 1/4 टाइम का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा. बुक में कुछ बुक में लिखा है कि हाफ साइकिल में चार्जिंग, देखिए जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है ये चार्ज हुआ, फिर इसके बाद ये डिस्चार्ज हुआ, तो हम कहेंगे कि हाफ साइकिल तक चार्ज फिर डिस्चार्ज. फिर ये यहाँ तक, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में, या हाफ साइकिल ये हो गई फिर हाफ साइकिल ये हो गई, तो हम कहते हैं कि हाफ साइकिल में चार्ज हो रहा है और हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हो रहा है. तो इसलिए इसके लिए एसी को फ्लो कराना अपने थ्रू बड़ा इजी होता है, इसलिए ये एसी को इजीली फ्लो कराता है. ये तो थी बात हमारी. अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल भी लेंगे बाद में कि कैसे कराता है ये फ्लो. तो चलिए इसको समझते हैं. व्हेन अ सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर ओनली, ठीक है ना. When a circuit containing capacitor only. Okay. चलिए स्टूडेंट, ये एक सर्किट है हमारा, इसमें कैपेसिटर है लगा हुआ. यहाँ पर हमने एसी सप्लाई दिया. This one is capacitor. एसी सप्लाई दिया. ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट स्टूडेंट. तो फर्स्ट इक्वेशन हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी, कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब हमें ये देखना है कि अगर कैपेसिटर यूज करते हैं हम सर्किट के अंदर तो इसके वोल्टेज का ये वैल्यू सो हो रहा है, उसका फेज ये है, करंट के फेज में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है. तो वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, ये हमने पढ़ा है, एंड वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी. तो ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. वी यानी कि ई यहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट स्टूडेंट. ओके, तो Q अपॉन सी इसको हम लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम कह देते हैं, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड. ओके, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सब कुछ होता है. तो dQ अपॉन dt, क्योंकि हमें करंट बनाना था तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है dQ अपॉन dt. तो सी ई नॉट साइन का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. तो ये हो जाएगा सी ओमेगा ई नॉट साइन कोस ओमेगा टी. कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. ओके, दिस वन इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और इट विल बिकम आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, इसको अगर मैं इसके न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो किस तरीके से ले जा सकता हूँ, वन अपॉन सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, राइट. वॉट इज दिस ई नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा, दिस इज इक्वल टू आई नॉट. ये क्या है हमारा, करंट, मैक्सिमम करंट है हमारा आई नॉट, राइट. तो स्टूडेंट द इक्वेशन विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड.
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब आप देखिए करंट प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है किसमें, ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट में। इसका मतलब प्लस पाई बाई टू मीन्स करंट 90 डिग्री आ गया। हमने कल जो स्टडी किया था फेज डिफरेंस का जो इक्वेशन था हमारा, दैट वाज, ये इसका वेव डायग्राम है एंड दिस वन इज द फेजर डायग्राम। इन दोनों डायग्राम को समझते हैं, इसको अभी फैक्टर को डिस्कस करते हैं, जस्ट दो मिनट रुकिएगा। ओके, ई एंड आई दोनों यहाँ पर चले गए साथ साथ, ई एंड आई, बस डिफरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस के केस में ये जीरो डिफरेंस था, इंडक्टर के केस में करंट पीछे थी, बिहाइंड लैग बिहाइंड द वोल्टेज, एंड इन दिस केस द करंट लीड द वोल्टेज, करंट वोल्टेज को लीड कर रही है इन केस ऑफ कैपेसिटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए, हमने कहा कि ये जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज ई नोड, ये है और ये ई हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से बनाया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो करंट है, करंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 90 डिग्री पहले से, ये जीरो से स्टार्ट हुई तो इससे पहले से यहाँ से स्टार्ट होगी, अगर इससे पीछे से स्टार्ट होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये करंट हमारी, तो इसके डायग्राम को, फेजर डायग्राम को कैसे बनाएंगे, राइट, फेजर डायग्राम जो बनेगा हमारा, अब पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ की इक्वेशन हमारी यही है, इसको यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं और इसको ऐसे, दिस इज ई नॉट, दिस वन इज ई, राइट। अब इधर आइएगा, ये पोटेंशियल, अब इससे 90 डिग्री, तो ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ से 90 डिग्री आ गया है, लाइक दिस, दिस वन इज आई नॉट। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इट एक्चुअली। अब देखिए, ये ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कैसे डिफरेंट फॉर्म में, जैसे अगर, हाँ आपको, आप कैसे समझेंगे, अगर हमें ये ईएमएफ दे दिया ई नॉट, तो आप कैसे करेंगे इसको, ईएमएफ तो करंट को कहाँ शो करना है, 90 डिग्री आगे, यानी कि ये एंगल, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, पाई बाई टू, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना, पाई बाई टू, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, ये पाई बाई टू हो गया और ये कितना होना चाहिए, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करंट का आ गया हमारा। ओके स्टूडेंट, तो वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम, दिस वन इज फेजर डायग्राम, दिस वन इज अ वेव डायग्राम, इस तरीके से हम वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे ई नॉट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा नॉट, तो व्हाट इज दिस क्वांटिटी एक्चुअली, इसमें ये तो ईएमएफ है, अगर हम इस इक्वेशन का कंपेयर करें आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर से, तो व्हाट इज दिस आर, आंसर है दिस आर इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, राइट, तो वन अपॉन ओमेगा सी इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो वन अपॉन ओमेगा सी विल बी इक्वल टू एक्स सी, वॉट इज दिस एक्स सी, दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन से, यहाँ पर आर की जगह आया वन अपॉन सी ओमेगा और इस क्वांटिटी का नाम हमने दिया एक्स सी, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इसका एक नाम और है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, दिस वन इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज इट, इसको और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस क्वांटिटी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, हम क्या कहेंगे, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो एसी, ठीक है ना, ऑपोजिशन, या फिर रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिशन का मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर
इस मतलब इनको आप डिफाइन कर रहे हैं, हमने बोला कि ये क्वांटिटी ये है, ये क्वांटिटी कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंस भी है, ठीक है, बाय कैपेसिटर व्हेन फ्लो थ्रू इट, क्या फ्लो एसी, व्हेन एसी फ्लो थ्रू इट, उस क्वांटिटी का नाम रखा हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब XC इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी और XC इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाए एफ सी, तो XC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वन अपॉन एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो XC फ्रीक्वेंसी। अगर हम DC का केस लेते हैं तो DC के केस में XC विल बिकम इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर कहीं पर हो जाता है तो वहाँ से फ्लो करना बहुत इजी नहीं होता है, इसलिए डीसी को ये ब्लॉक कर देता है और एसी को पास करता है, तो एसी एंड अलाउड टू पास एसी, अलाउड टू पास एसी, एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। अगर अब क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ड्रॉ द डायग्राम फॉर द, ये यहाँ पर समझिए इसको, एक्सी और एफ फ्रीक्वेंसी और एक्सी में डायग्राम बनाइए, क्या होगा, तो एक्सी और फ्रीक्वेंसी में डायग्राम, हाँ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट विल शो अ पैराबोलिक पाथ, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, दिस वाज रिलेटेड टू द व्हेन अ सर्किट कंसिस्ट ओनली कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाउ द स्टूडेंट वी विल सी द कंबाइंड इफेक्ट, अब हम इसके थोड़ा कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, और जो मैं कंबाइंड इफेक्ट बता रहा हूँ इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं, व्हाट इज कंबाइंड इफेक्ट। ओके, इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट मीन्स व्हेन द सर्किट कंसिस्ट दीज थ्री, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर साइमल्टेनियसली, एक साथ जब तीनों को लगाते हैं तो हम इसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट, क्या बोलते हैं हम इसको, आरएलसी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आरएलसी सर्किट। ओके, तो व्हाट इज आरएलसी सर्किट, दिस वन इज रजिस्टर एल इंडक्टर एंड दिस वन इज कैपेसिटर, दिस थ्री कनेक्टेड टू अ एसी सप्लाई, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी एसी सप्लाई का इक्वेशन है इसका, तो अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल दैट इज आई आर, उसको हम आई आर कह देते हैं, across this what is the potential drop I XL and what is the potential drop I XC, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कॉमन मान लेते हैं ये हमारी करंट है, दैट इज I नॉट मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब रेजिस्टेंस के केस में हमने पढ़ा है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसको हम लिख लेते हैं वी आर, ठीक है ना, वी आर मतलब जो वोल्टेज है और करंट है बोथ आर एट सेम फेज, दोनों सेम फेज पे होती है। अब यहाँ पर आई नॉट, अब यहाँ पर पोटेंशियल 90, ये आई नॉट है, आई नॉट करंट से लैग कर, सॉरी आई नॉट पोटेंशियल से या फिर ईएमएफ से लैग करता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक हियर वीएल। इस केस में जो करंट है वो लीड कर जाती है वोल्टेज से, तो इन दिस केस वीसी, इस तरीके से हम सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमें समझ में आई सारी बातें, तो स्टूडेंट XC का क्या होता है, I इंटू सी ओमेगा, ठीक है, I अपॉन सी ओमेगा। अब हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम इसका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो वो कैसे करेंगे, इसका कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए एक ट्राइंगल या इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। पहले हमने कहा कि ये हमारा फेजर डायग्राम है, इन दिस फेजर डायग्राम दिस इज
VL हमने यहाँ पढ़ लिया और ये VC। देखिए VL लीड कर रहा है और ये पोटेंशियल लैग कर रहा है, तो दोनों का जो कंबाइंड होगा वैल्यू दैट विल बी VL माइनस VC करंट के साथ। अब यहाँ पर हम ऐसा हम इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया ये VC हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है ना। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि XL ग्रेटर देन XC ये मान के चल रहे हैं, या फिर VL ग्रेटर देन VC। हम ऐसा भी कर सकते हैं VC ग्रेटर देन VL, बोथ द केस आर पॉसिबल। ओके दिस वन इज I नॉट। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट बिटवीन दिस टू, दिस विल बी द रिजल्टेंट एंड दिस विल बी एट एंगल फाइ। ओके दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू E नॉट। तो E नॉट VL और VC ऑल दीज आर मेकिंग द, ये इसके साथ रेजिस्टेंस कितना हुआ हमारा VR, ये इस पे हुआ आई नोड के साथ, राइट। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, लिखेंगे इसको, सर एक मिनट बस एक मिनट। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी जो बनेगी दैट इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। व्हाट इज दिस फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस। चलिए स्टूडेंट अब इसका इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाते हैं। हमने कहा कि ये वैल्यू कितनी है वी एल माइनस वी सी, अगर इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाना है तो हाउ कैन यू मेक द, इसको हमें करंट से डिवाइड करना होगा दैट इज आई नॉड और आई नॉड। जैसे ही डिवाइड होगा तो ये जो लेंथ है हमारी इट विल गेट डिक्रीजेस, इट विल बिकम एक्स एल माइनस एक्स सी एंड दिस इज द एंगल फाई, दिस इज आर। व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज कॉल्ड जेड एंड दिस जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। नाउ व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस वन इज द कंबाइंड इफेक्ट, दिस इज नॉन एज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ आर एल सी सर्किट। ओके और इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे स्टूडेंट हमारे, और वो न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।